नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ की एक ऐसी टेक्निक की जो आपके शरीर को भविष्य में होने वाले संभावित खतरों से आगाह कर देगा। आप वक्त से पहले जान पाएंगे कि आने वाले वक्त में आपके शरीर में किस तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और वक्त रहते आप उनका इलाज भी कर पाएंगे। पहले बताएगा हार्ट अटैक कब आएगा, खून पहले बता देगा, दिल का दौरा बच जाएगा, काल बताएगा राज, जिंदगी बचेगी आप। एक टेस्ट, जिंदगी बनेगी बेस्ट। दिल का हाल बताएगा टेस्ट, मौत से बचाएगा। मौत से बचाने वाला टेस्ट एक्सक्लूसिव। और आइए जल्दी से कुछ तस्वीरों के जरिए हम आपको बता देते हैं कि क्यों जिस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं वो आपको मौत से बचाएगा और आखिर क्यों इस तकनीक के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। आप समझिए इसको इस तरह से कि पहले ये माना जाता था कि खास उम्र के बाद ही हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है किसी भी उम्र में कोई इंसान हार्ट अटैक का शिकार बन सकता है। और इसीलिए अगर आपको पहले से ये जानकारी हो रही है एक टेस्ट के जरिए कि कब आपको हार्ट अटैक आ सकता है, किस तरह की गंभीर बीमारियां आपको भविष्य में हो सकती हैं, तो जाहिर है कि आप सचेत हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे और उसका समय रहते इलाज आप करवा पाएंगे। और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि मौत से बचाने वाला ये टेस्ट है। पहले आपको खून बता देगा, यानी कि खून का टेस्ट आप करवाएंगे, जीन्स का टेस्ट होगा और उससे आपको मालूम चल जाएगा कि आपको भविष्य में किस तरह की दिक्कतें होने वाली है। अब एक ऐसी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं जिससे आप अपने बचपन में ही जान लेंगे कि आपका दिल कितना मजबूत है, आने वाले समय में आपको दिल से जुड़ी हुई कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए इस टेस्ट के बारे में। भारत ही नहीं, दुनिया में मौत की सबसे बड़ी वजह है दिल का दौरा। लेकिन कैसा हो कि आप बचपन में ही जान जाएं कि आपको हार्ट अटैक आ भी सकता है या नहीं, कैसा हो कि आपका खून बचपन में ही बता दे कि आपका दिल कितना मजबूत है और क्या आपको जिंदगी में कभी दिल की बीमारी होगी भी या नहीं। ये सनसनी फैलाने वाली कोई खबर नहीं है, न ही कोई चमत्कार, बल्कि विज्ञान का ऐसा आविष्कार है जिसका नाम है कार्डियो मेटाबॉलिक टेस्ट। सबसे पहले तो ये जानिए कैसे होता है कार्डियो मेटाबॉलिक टेस्ट। जेनेटिक टेस्टिंग जिसमें खून के सैंपल लिए जाते हैं। सैंपल लेने में शरीर के किसी भी हिस्से में तकलीफ नहीं होती। गाल के एक हिस्से का स्वाब भी सैंपल के तौर पर लेते हैं। अब ये जानिए कि कार्डियो मेटाबॉलिक टेस्ट बताता क्या है। टेस्ट के जरिए हार्ट अटैक रिस्क का पता चलता है। जीन्स बता देते हैं कि हार्ट अटैक रिस्क है या नहीं। टेस्ट डायबिटीज रिस्क भी बता देता है। सालों पहले आप जान जाएंगे कि हार्ट अटैक तो नहीं आएगा। कार्डियो मेटाबॉलिक टेस्ट 99% सही रिजल्ट देते हैं। कम उम्र में टेस्ट होने से हार्ट अटैक रिस्क का पता भी चल सकता है। दिल धड़केगा तो जिंदगी है, जिंदगी है तो आज है, जिंदगी है तो कल है। कार्डियो मेटाबॉलिक टेस्ट कराइए, महफूज रहिए। दावा है कि हार्ट अटैक का अलार्म पहले ही बच जाएगा। आस्था श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वैज्ञानिक तरीके से हमने आपको समझाया कि आखिर क्यों इस टेस्ट का इतना महत्व है,
कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये नाम आप सुन लीजिए, याद कर लीजिए। इसके मुख्य लक्षण क्या हैं, ये हम आपको कुछ तथ्यों के जरिए समझाते हैं। कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के मुख्य लक्षण क्या हैं? कमर में ज्यादा फैट का जमा होना, ये इसका सबसे अहम लक्षण है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है इसके दरमियान, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है जो कि बहुत खतरनाक है, एलिवेटेड फास्टिंग, इसके साथ ही ब्लड शुगर का मौजूद होना, ये तमाम लक्षण हैं जिसके बारे में आपका जानना, सचेत रहना बहुत जरूरी है। कार्डियो मेटाबॉलिक टेस्ट आखिर किसे करवाना चाहिए, आगे आपको और डिटेल में डॉक्टर से जानकारी देंगे, लेकिन एक पॉइंटर्स के जरिए समझ लीजिए, कार्डियो मेटाबॉलिक टेस्ट किसे करवाना चाहिए। परिवार में किसी को पहले से ही अगर दिल की कोई बीमारी है, डायबिटीज है, तो जरूर आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए। पहले से ही कोलेस्ट्रॉल कम होने की दवा कोई खा रहा है घर में, तो आपको जरूर करवाना चाहिए। जो हाई बीपी का पेशेंट है उसे भी यह टेस्ट करवाना ही चाहिए। जो लोग धूम्रपान करते हैं, ज्यादा सिगरेट पीते हैं, उन्हें भी यह टेस्ट करवाना चाहिए। फायदे क्या होते हैं ये आपको हम बताते हैं। जेनेटिक टेस्ट होने के आखिर क्या फायदे हैं, कुछ पॉइंटर्स से समझिए। ये टेस्ट मरीज को होने वाले खतरे से आगाह कर देता है, आपको खतरा पता रहेगा, उसका इलाज भी आप करवा पाएंगे। रोगी के हेल्थ के लिए ये टेस्ट फायदेमंद होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये टेस्ट बताता है कि आपको किसी बीमारी का खतरा है या फिर नहीं, अगर अभी नहीं है तो क्या भविष्य में हो सकता है, ये भी आपको ये टेस्ट बता देता है। इस टेस्ट से मरीज अपना सही इलाज करवा सकता है। इसके साथ ही जेनेटिक टेस्ट भविष्य में फैमिली प्लानिंग के लिए भी उपयोगी होता है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों को आने वाले खतरे के बारे में समझने में भी मदद मिलती है। अब कुछ खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले परिचय मैं करवा देती हूं आपका, कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश लूथरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फाउंडर हैं फ्यूचरमेड के। महक पंडित आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, वो सीनियर साइंटिस्ट हैं फ्यूचरमेड में। इसके साथ ही डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व सचिव आईएमए के। सबसे पहले डॉक्टर रवि मलिक आपसे शुरुआत करते हुए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पहले के समय में ये समझा जाता था कि एक उम्र हो जाने के बाद ही हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन अब पिछले कुछ वक्त से हमने ये कई केसेस में देखा है कि कम उम्र के बच्चों को, युवाओं को भी हार्ट अटैक की समस्या आ जाती है। अब ये जो टेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, कब से ये इजाद हुआ है और किसे करवाना चाहिए? देखिए, दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। जो हमारी जीन्स हैं वो हमारी पूरी मैपिंग जो जीन्स की है उसी के ऊपर हमारे आने वाला जीवन चलने वाला है। हमारा जो फ्यूचर है वो हमारी जीन मैपिंग के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। तो हमारे फ्यूचर में हमारे को पार्किंसोनिज्म की बीमारी होने वाली है, हमें डिमेंशिया होने वाला है, हमें अल्जाइमर होने वाला है, हमें हार्ट अटैक होने वाला है या हमें ब्रेन हेमरेजेस होने वाली है, ये हमारी जीन्स को सब कुछ पता होता है। और ये फ्यूचर जो है जीन थेरेपी और जीन डायग्नोस्टिक्स का ही है, तो इससे हमें पता चल जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि हमें बुजुर्गों में ही करा के देखने की आवश्यकता, बल्कि यंग एज में हमारे को करा के पता चल जाना चाहिए कि हम कितने ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड हैं हार्ट अटैक के या ब्रेन हेमरेजेस के या कई तरह के कैंसर्स के। इसका जो डोमेन है वो केवल हार्ट अटैक्स और एंजाइना के लिए नहीं है, इसका डोमेन काफी ज्यादा बड़ा है, जिसमें कि मेटाबॉलिक डिजीजेस आ जाती हैं, डायबिटीज आ जाती है, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस आ जाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू है जिसमें कि हमें यह पता चल जाएगा, समय से पहले ही पता चल जाएगा। सपोजिंगली आज मैं 20 साल का व्यक्ति हूं और मुझे पता चल गया कि मेरे को हार्ट अटैक होने की जीन्स है मेरे अंदर, तो मैं बहुत ज्यादा केयरफुल रहूंगा, मैं डॉक्टरों के संरक्षण में रहूंगा, मैं बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स को बिल्कुल कंट्रोल करके चलूंगा। और इसमें ना केवल हमारे को फ्यूचर का बता देंगे बल्कि इतना भी पता चल जाएगा कि कौन सी दवा हमारे ऊपर प्रभावशाली रहेगी हमारी बीमारी के लिए और कौन सी दवा प्रभावशाली नहीं रहेगी। तो ये बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू है ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल। उसमें इस वक्त जेनेटिक्स के ऊपर पूरी रिसर्च हो रही है, तमाम विश्व के मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट या बायो इन्फॉर्मेटिशियंस ये सब इसी चीजों के ऊपर लगे हुए हैं कि हम किसी तरह से जीन से डायग्नोसिस करें। और सबसे अच्छी चीज है ये टेस्ट काफी रिलायबल होते हैं, रिलायबल 95% का इनका सक्सेस। डॉक्टर रवि मलिक, मैं फिर से एक बार आपके पास लौटूंगी और लोगों के जहन में ये सवाल जरूर होगा कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है, क्या कोई नुकसान उन्हें हो सकता है, मैं इसका जवाब आपसे जरूर लूंगी। लेकिन डॉक्टर राजेश लूथरा का मैं रुख करना चाहती हूँ। डॉक्टर राजेश, दुनिया के कौन कौन से इलाकों में ये टेस्ट अभी हो रहा है ये समझाइएगा, और सबसे बुनियादी सवाल जो मैंने रवि मलिक जी से भी पूछा कि ये टेस्ट आखिर है क्या, कैसे होता है, इसकी क्या खासियत है? नमस्कार जी, ये टेस्ट
अमेरिका, यूके और जितनी जर्मनी जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ऑलरेडी ये टेस्ट हो रहे हैं और इन टेस्टों का बहुत ज्यादा फायदा है क्योंकि जितना जल्दी टेस्ट करा लेंगे उतना आपको पहले पता चल सकता है कि आप में इस बीमारी के हार्ट डिजीजेस के या किसी और बीमारी के आप में जीन है या नहीं। आपको तो ये भली भांति पता है कि एक जीन माँ की साइड से आता है एक जीन पिता की साइड से आता है और अगर ये दोनों जीन्स नेगेटिव साइड पे आपके अंदर है तो आपका रिस्क कई बारी 5 गुना बढ़ सकता है डायबिटीज के लिए, 4 गुना बढ़ सकता है स्ट्रोक के लिए और 3 गुना बढ़ सकता है हार्ट अटैक्स के लिए। तो इसीलिए ये टेस्ट बहुत लाजमी है और ये कुछ सालों से बेस्ट में तो मैंडेटरी है। डॉक्टर महक का मैं रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर महक पंडित, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी कि आखिर अगर ये कहा जा रहा है कि कम उम्र में ये टेस्ट करवाया जाए तो लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर कितने उम्र के बाद ये टेस्ट करवाना चाहिए जिससे ये मालूम चल जाए कि भविष्य में किस तरह की बीमारियां हो सकती है खासतौर से हार्ट से संबंधित। देखिए, जो जीन्स हैं, जो हमारा डीएनए है वो चेंज नहीं होता, हम जैसे पैदा होते हैं वो सेम ही रहता है और हमारी पूरी लाइफ टाइम के लिए सेम है। तो हम एक बच्चे से लेके, क्योंकि एक नॉन इन्वेसिव मेथड है, इसमें हमें कोई पेनफुल मेथड नहीं है, हमें सिर्फ स्वाब लेना है, तो हम एक बच्चे से भी, एक 5 साल के बच्चे से स्टार्ट कर सकते हैं और कितनी भी एज का कोई भी इंसान इसको टेस्ट करा सकता है। जी पर्टिकुलर एज का होना जरूरी नहीं है, पर हम जितना जल्दी हो सके अपनी जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, सबका शुरू से अगर टेस्ट करा के चले तो आज हमें पता चल जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है डॉक्टर रवि मलिक, मैं फिर से एक बार आपका रुख करती हूँ। और कई बार इन टेस्ट को लेकर के या डॉक्टर के पास जाने को लेकर के लोगों के मन में घबराहट होती है कि अगर कभी हमें बीमारी है नहीं तो हम क्यों जाएं डॉक्टर के पास, डॉक्टर तमाम दवाइयां लिख देगा, डॉक्टर तमाम टेस्ट लिख देगा। उन लोगों को आप क्या कहेंगे कि आखिर क्यों वो डॉक्टर के पास जाएं, ये टेस्ट करवाएं और भविष्य के लिए आश्वस्त हो जाएं? और सबसे अहम सवाल ये भी कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी है, क्या कोई विपरीत असर भी पड़ सकता है स्वास्थ्य पर? देखिए, मैं परत दर परत आपके हर सवाल का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके अंदर ब्लड भी नहीं लिया जाता, इसके अंदर जो आपके मुंह का जो बक्कल म्यूकोजा होता है उसको हम ले लेते हैं, उसमें से सेल्स ले लेते हैं और उन सेल्स के क्रोमोसोम्स की एनालिसिस कर लेते हैं, तो ये किसी किस्म के इसके साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी चीज आपने ये बताई है, प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक ओल्ड सेइंग है जिसका मैं बहुत ज्यादा मानता हूं। जब एक बार बीमारी हो गई, हार्ट अटैक हो गया तो आपके डैमेज हो गई, जब डैमेज हो गई तो फिर उसके बाद जागने का कोई फायदा नहीं है, हमें शुरू से प्रिवेंशन लेनी बड़ी जरूरी है। तीसरी चीज, जिस तरह से बच्चे के पैदा होते ही हम जन्म कुंडली बनाते हैं, हम उसके नक्षत्रों का देखते हैं, तो इसी तरह से मैं समझता हूं कि साइंटिफिकली हम लोगों को एक जीनोम बच्चे का करा के रखना चाहिए कि ये जो बच्चा हमारा पैदा हुआ है या जो बच्चा अभी 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का है, बल्कि इनका फायदा ही तभी है जब हम शुरुआती एज में इसको करवा लें, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये बच्चा न्यूरोलॉजिकल इलनेस के लिए प्रीडिस्पोज्ड है कैंसर के लिए। जैसे मैं बताऊं, सपोजिंगली कोई बच्ची का आज हम टेस्ट कराते हैं और हमें पता चलता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए शी इज प्रीडिस्पोज्ड, तो हम बहुत केयरफुल रहेंगे, हम उसका एनुअल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, हम उसको प्रॉपरली देखेंगे कहीं इसको ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो रहा। ये छोटी सी बात बताई है। सपोजिंगली एक युवा का आज हम कराते हैं और पता चलता है इसको स्ट्रोक हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, तो हमारे पास जितने भी प्रिवेंटिव तरीके हैं उस स्ट्रोक को बचाने के लिए, हम उसको कहेंगे भैया स्मोकिंग तेरे लिए बहुत हैजार्डस है क्योंकि ऑलरेडी तेरा एक रिस्क फैक्टर है, दूसरा रिस्क फैक्टर होगा तो दिक्कत होगी, तू ये दवाइयां शुरू कर दे तो तेरे सारे रिस्क फैक्टर जो है हम कवर कर देंगे, लाइफस्टाइल में ये चेंजेस ले आ तो तुझे स्ट्रोक, तो हो सकता है जो उसको स्ट्रोक 50 साल की उम्र में आने वाला हो सकता है वो 80 साल की उम्र में आए या आए ना, तो ये प्रिवेंटिव थेरेपी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हमें पता चल जाएगा तो हम उस त्रासदी को या तो अवॉइड कर सकते हैं या उसको हम डिले कर सकते हैं अपने जीवन में आने के लिए। सपोजिंगली आज एक युवा को पता चल जाए कि 40 साल की उम्र में मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, तो वो इतना केयरफुल होके चलेगा कि हो सकता है वो हार्ट अटैक 60, 65 या 70 की उम्र में आए या ना आए, और अगर आए भी तो वो जागरूक रहेगा, वो अपने फिजिशियंस के टच में रहेगा, तो उसको एकदम से उसका नुकसान नहीं होगा। तो ये मैं समझता हूं बाहर के देशों के अंदर तो प्रिवेंशन के ऊपर बहुत ज्यादा मुहिम चलाई गई है, बिल्कुल एक मूल मंत्र तो बचपन से हमें बताया ही गया है, ये वाली मुहिम जो है चलानी चाहिए। प्रिवेंशन
जी यही मूल मंत्र है जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं और इस टेस्ट के पीछे भी हाँ, तो जो कार्डियो मेटाबॉलिक टेस्ट है जी, इम्पोर्टेंट है जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है, डॉक्टर राजेश लूथरा का मैं रुख करना चाहती हूँ। अब बात आती है सर रिलायबिलिटी की, ये टेस्ट कितना रिलायबल है। डॉक्टर रवि मलिक जिक्र कर रहे हैं कि ज्यादातर मामलों में ये टेस्ट रिलायबल होता है। आपने दुनिया के और भी देशों का उदाहरण दिया, वहां के अनुभव से अगर आप शेयर करना चाहें कि जितने लोग ये टेस्ट करवाते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, फिर भविष्य में जब उन पर स्टडी किया जाता है, तो कितना रिलायबल ये टेस्ट साबित होती है? जहां तक रिलायबिलिटी का सवाल है, ये टेस्ट 99.9% एक्यूरेट होते हैं, तो इसलिए इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये आपके अपने डीएनए पे बेस्ड है। दूसरा, अगर आप उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बड़ी अच्छी तरह से बताया कि आप इसके ऊपर अपनी दवाइयों का टेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर आपको दवाइयां सूट करती हैं या नहीं, तो मैं एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे हर एंजियोप्लास्टी होने के बाद डॉक्टर्स क्लोपिडोग्रल का इस्तेमाल करने की बात करते हैं, जो जो मॉलिक्यूल ओवरसीज डेवलप हुए हैं उसमें रिस्पॉन्सिवनेस इंडियन डीएनए की कितनी है। अब हमें पता चला है स्टडीज के दौरान कि 33% लोग नॉन रिस्पॉन्सिव हैं इस दवाई के लिए। तो इसी तरह बहुत सी सारी चीजें हैं जो बाहर बनती हैं पर हमारे डीएनए पे टेस्ट नहीं होती हैं, तो इंडियन कंडीशंस और इंडियन डीएनए के हिसाब से बहुत जरूरी है। और ये टेस्ट 99.9% आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। 99.9% केसेस में जो टेस्ट है वो रिलायबल साबित हुआ है। जाते जाते महक पंडित जी, मैं आपसे भी एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिनकी फैमिली में हिस्ट्री रही है हार्ट डिजीज की, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये? मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, जब हम प्रिवेंटिव की बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब जैसे बात कर रहे हैं कि हम उसको आने से ही पहले उस चीज़ का हमें ये पता चल गया कि मुझे आज के थोड़े दिनों बाद या मेरा लाइफस्टाइल पैटर्न ऐसा है कि आज के कुछ सालों बाद मुझे ये बीमारी हो सकती है, और मेरी फैमिली में ये लगातार चलती आ रही है। कभी कभी ये भी होता है कि हमें ज़्यादातर चीज़ें नहीं मालूम अपनी फैमिली, तो फैमिली हिस्ट्री में भी पता होना ना होने में भी ये केस आपका ऐसा नहीं है कि आपके इस टेस्ट में कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये टेस्ट कराने से आपका एक कंफर्मेटरी हो गया, क्योंकि ये सबसे हाई एंड मतलब सबसे ऊपर की टेक्नोलॉजी हम इसको यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, बड़े वैज्ञानिक तरीके से आप लोगों ने समझाया कि चूंकि जीन्स बेस्ड ये टेस्ट है और इसीलिए कार्डियो मेटाबॉलिक टेस्ट जो है वो रिलायबल होता है, क्योंकि जीन्स पैदा होते ही जो होते हैं इंसान में वही मरते वक्त भी होते हैं, यानी कि जब बुजुर्ग हो जाता है इंसान उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि आप ही जरूर कार्डियो मेटाबॉलिक टेस्ट जो है जरूर करवाइए और इससे आश्वस्त हो जाइए कि आने वाले वक्त में आपको किस तरह की बीमारी हो सकती है और अगर होने वाली है तो आपको क्या करना है, आपको पहले से ही पता चल जाएगा। और याद रखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।